हम जब इबरे तो संभाले में नहीं आएंगे। वो कहता है गम ज्यादा है, लिफाफे में नहीं आएंगे। शेर सुने, हम जब इबरे तो संभाले में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपना मदह का आगाज करता हूँ। जितने भी है माशाल्लाह मौलाई बैठे हैं वो, अब दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जो जो यहाँ पे अपने दिली हाजात रखता हो उसकी दिली हाजात पूरी हो। मैं कुछ अलग तरह से शायरी करने का कादी हूँ, हकीकत की अकासी करना मेरा काम है। मुझसे ख्याली पुलाव ना कभी बनाया गया है और ना कभी बनाऊंगा। मिंबर का हक अदा करना एक शायर का एक फर्ज है, वो करने की कोशिश करता हूँ। शेर समाप्त माने कि जीने के लिए आबो गिजा मांगते रहिए, जीने के लिए आबो गिजा मांगते रहिए, गैरत की बका शर्म हया मांगते रहिए। शब्बीर का गम सबको मयसर नहीं होता, अल्लाह से तौफीक अज़ा मांगते रहिए। अभी नहीं, अभी तो सब बोलेंगे इंशाल्लाह। जीने के लिए आबो गिज़ा मांगते रहिए, गैरत की बका शर्म हया मांगते रहिए। शब्बीर का गम सबको मयसर नहीं होता, अल्लाह से तौफीक अज़ा मांगते रहिए। हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, बस करबो बला मांगते रहिए। हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, जरूरत की अशेर जिसके लिए मैंने शेर पढ़े हैं वो शेर सुन ले। हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, बस करबो बला मांगते रहिए, बस करबो बला मांगते रहिए। दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। जीने के लिए आप गैरत की बका शर्म हया मांगते रहिए। शब्बीर का गम सबको मयसर नहीं होता, अल्लाह से तौफीक अज़ा मांगते रहिए। हर चीज जरूरत की बिला मांगे मिलेगी, बस करबो बला मांगते रहिए। दुनिया से मिटा देता है इंसान को तकब्बुर, औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। औकात में रहने की दुआ मांगते रहिए। पैरवे दरहम और दीनार नहीं होते थे, एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, खुद देखने की कोशिश कर रहा हूं। पैरवे दरहम और दीनार नहीं होते थे, पैरवे दरहम और दीनार नहीं होते थे, मधे खां पहले अदाकार नहीं होते थे। अभी आपने अदाकारी देखी है, खूब देखी है। पैरवे दरहम और दीनार नहीं होते थे, पैरवे दरहम और दीनार नहीं होते थे, मधे खां पहले अदाकार नहीं होते थे। आज दो हाथ की दूरी है जरूरी, और कल दिल से दिल मिलते थे बीमार नहीं होते थे। आज दो हाथ की दूरी है जरूरी और कल, आज दो हाथ की दूरी है जरूरी और कल दिल से दिल मिलते थे बीमार नहीं होते थे। ये अलग बात बुजुर्ग तायद करेंगे, ये अलग बात के जरदार नहीं होते थे, ये अलग बात के जरदार नहीं होते थे, फिर भी दुनिया के तलबगार नहीं होते थे। शेर सुने सब इंशाल्लाह पहुंचेंगे। फिर भी दुनिया के अबुजर भाई, फिर भी दुनिया के तलबगार नहीं होते थे, बेच देते थे, बेच देते थे जो बच्चों को बराए मजलिस, वो दिखावे के अज़ादार नहीं होते थे। बेच देते थे,
ملک باد کے سردار نہیں ہوتے تھے، واہ واہ واہ، ایک نعرہ یہ الگ بات کے زردار نہیں ہوتے تھے، پھر بھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے تھے، بیچ دیتے تھے جو بچوں کو برائے مجلس، وہ دکھاوے کے عزادار نہیں ہوتے تھے، وہ دکھاوے کے عزادار نہیں ہوتے تھے۔ ابو ذر بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جو جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اثرات اس کے اشعار میں بھی ضرور آتے ہیں۔ میرا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بڑی شریف ڈپارٹمنٹ ہے، دہلی پولیس، تو میں اس کے ایک دکھا رہا ہوں۔ دنیا کہتی ہے تھرڈ ڈگری استعمال کیوں کرتا ہے آدمی، اب سنیں وہ کیوں کرتا ہے۔ جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، عدالت میں وہ اپنے فعل کا انکار کرتے ہیں۔ جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، عدالت میں وہ اپنے جرم کا انکار کرتے ہیں، عدالت میں وہ اپنے فعل کا انکار کرتے ہیں۔ تو تبرہ اس لیے بھی اہل حق کو کرنا پڑتا ہے کہ مجرم پیار سے کب جرم کا اقرار کرتا ہے۔ جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، عدالت میں وہ اپنے فعل کا انکار کرتے ہیں۔ تبرہ اس لیے بھی اہل حق کو کرنا پڑتا ہے کہ مجرم پیار سے کب جرم کا اقرار کرتے ہیں، کہ مجرم پیار سے کب جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر میں دو شعر سناتا ہوں جو دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف میرے علاوہ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی۔ شعر سنیں، وقار بھائی پاکستان سے ایک مصرع آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، لفافے میں نہیں آئیں گے۔ محب بھائی، ایک خیال آیا کہ غموں کا لفافے سے کیا تعلق ہے، شعر سنیں، اس میں کچھ شعر کہے ہیں، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، شعر سنیں۔ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے، حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے۔ جتنے مجرم ہیں، جتنے مجرم ہیں انہیں ڈھونڈ کے لانا ہوگا، خود سے چل کر کبھی تھانے میں نہیں آئیں گے۔ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے، چور ہرگز بھی اجالے میں نہیں آئیں گے، جتنے مجرم ہیں انہیں ڈھونڈ کے لانا ہوگا، خود سے چل کر کبھی تھانے میں نہیں آئیں گے، خود سے چل کر کبھی تھانے میں نہیں آئیں گے۔ یا نبی آپ کو داماد بنانے والے بیٹیاں دیں گے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ سرکار بہت شکریہ۔ حب حیدر کے چراغوں کو جلائے رکھیے،
चोर हर किसी भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम है उन्हें ढूंढ के लाना होगा। खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले, या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे जनाजे में नहीं आएंगे। बेटियां देंगे जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया, उसके जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। परवरदिगार, जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आप सबको करबला जाना नसीब हो। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। करबला करबला रोजाए अब्बास दिलावर की कसम, करबला रोजाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। करबला रोजाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। एक शेर आराम से पढ़ दूं। बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बसत शौक मगर याद रहे, हमसे टकराओ बसत शौक मगर याद रहे, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जो बिफरे, हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। वो कहता है गम ज्यादा है, लिफाफे में नहीं आएंगे। शेर सुने, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। हम आजादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम आजादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, एक दो तीन के झांसे में नहीं आएंगे। हम आजादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम आजादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम आजादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, एक दो तीन के झांसे में नहीं आएंगे। या अली कहकर कदम अपना सदा रखा करो, कुछ कहने की कोशिश की है। या अली कहकर कदम अपना सदा रखा करो, या अली कहकर कदम अपना सदा रखा करो, तुम अली वाले हो अपना दबदबा रखा करो। या अली कहकर कदम अपना सदा रखा करो, तुम अली वाले हो अपना दबदबा रखा करो। बुजुर्ग भाई, तुम अली वाले हो अपना दबदबा रखा करो। गर तुम्हें गुस्ले मसे मैयत से बचना है तो फिर, गर तुम्हें गुस्ले मसे मैयत से बचना है तो फिर दुश्मने हैदर से थोड़ा फासला रखा करो। गर तुम्हें गुस्ले मसे मैयत से बचना है तो फिर दुश्मने हैदर से थोड़ा फासला, दुश्मने हैदर से थोड़ा फासला फासला रखा करो।
से मैयत से बचना है तो फिर दुश्मन हैदर से थोड़ा फासला रखा करो। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो आदमी खुद पढ़ने के बाद एक महसूस करता है कि हाँ नहीं, ये तुम नहीं कह सकते थे किसी की आता है। आज होता यह है कि आप किसी भी उलमा को, आप अपने उलमा को ले लें और आप किसी मजहब के उलमा को कहेंगे कि भाई हमारे अच्छे हैं या आपके अच्छे हैं, तो बहस होगी, बहस होकर तकरार होगी, तकरार होकर लड़ाई होगी, लड़ाई होकर सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। मैंने एक रास्ता निकाला है इसके लिए दुआ का। हमारे रहबर बतौर खास सुने, इंशाल्लाह सब महसूस होंगे। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। जब भी कोई कहे कि ना हमारे अच्छे हैं या आपके अच्छे हैं, तो उनसे कहो कि भाई और दुआ करते हैं। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, चलो ये मिलकर दुआएं मांगे। खुदाए बरहक बरोज महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। तुम्हारों के साथ रखे हमें हमारों के साथ रखे। आज एक कहते हैं कि भाई आपने फला को छोड़ा है, उसको क्यों छोड़ा है। मैं कहता हूं हमने किसको छोड़ा है। बुजुर्ग भाई चार मिसरों के अंदर दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। नबी जादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। बीबी के लिए बोलो, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। नबी जादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा। सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा। हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। एक मैं शेर सुनाता हूं। शायरी की दुनिया में मेरे ख्याल से मेरा दावा तो नहीं हो सकता, बहरहाल, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना। अबू ज़र भाई अगर आपने सुना हो तो मुझे बताना। जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूं वो मौजू, हालांकि कोई ऐसा मौजू बचा नहीं आज तक जो इस्तेमाल ना हुआ हो, जो यूज ना हुआ हो, लेकिन मैं एक दावे से कहता हूं कि शायद मैंने नहीं सुना, तो हो सकता है कि आपने भी ना सुना हो, उसकी तायद कर देना अगर मेरा दावा सच्चा है, इंशाल्लाह महसूस होंगे। एक के ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है। इसकी रदीफ़ कैसे होता है बिबला। ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है के इस्तकबाल मैशर में हमारा कैसे होता है। जो कहते हैं हमारे वास्ते कुरान काफी है, वो क्या जाने इबादत में खसारा कैसे होता है। शेर सुने, वो क्या जाने इबादत में खसारा कैसे होता है। अरे ओ गासिबो तुमको सरे मैशर बताएंगे कि बंटवारा तुम्हारा और हमारा कैसे होता है। अरे ओ गासिबो तुमको सरे महशर बताएंगे कि बंटवारा तुम्हारा और हमारा कैसे होता है। चलो करबोबला ये मसला भी हल किया जाए। जमीन पर रह के जन्नत का नजारा कैसे होता है। अब बुजुर्ग भाई, अब जो मैं दावा किया था वो शेर पेश कर रहा हूं, अगर मेरा दावा सच्चा हो तो दाद चाहूंगा आप हजरात से। ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है। चलो करबो बला ये मसला भी हल किया जाए। जमीन पर रह के जन्नत का नजारा कैसे होता है। वुजू करते हुए देखो जो उनको जान जाओगे किसी को कत्ल करने का इशारा कैसे होता है। वुजू करते हुए देखो जो करने का इशारा, वजू करते हुए देखो जो उनको जान जाओगे
करते हुए, वजू करते हुए देखो जो उनको जान जाओगे, वजू करते हुए देखो जो उनको जान जाओगे। किसी को कत्ल करने का इशारा कैसे होता है, किसी को कत्ल करने का इशारा कैसे होता है। दिलो दिमागो नजर में उतरते रहते हैं, दिलो दिमागो नजर में उतरते रहते हैं कि रोशनी की तरह हम बिखरते रहते हैं, कि रोशनी की तरह हम बिखरते रहते हैं। इमाम जादों के रोजों पे आया जाया करो, इमाम जादों के रोजों पे आया जाया करो, कि इन दरों पे मुकद्दर संवरते रहते हैं, कि इन दरों पे मुकद्दर संवरते रहते हैं। ये बीच बीच में, ये बीच बीच में नारे लगाने वाले लोग मुनाफिकों के परों को कतरते रहते हैं, ये बीच बीच में नारे लगाने वाले लोग। कतरते रहते हैं। एक तोहफ़तन शेर दे के जा रहा हूँ, आखिरी एक मतलब और एक शेर, शायद शेर के अंदर कोई बात हो, कुछ हो तो दुआओं से नवाज देना। सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। तड़पे जो खाक व खून में बर्दश्ते करबला, शब्बीर ला इलाह की बुनियाद हो गए। गर्दन में तौक पाओ में बेड़ी लबों पे दम, गर्दन में तौक पाओ में बेड़ी लबों पे दम, सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए। और अब शेर सुने, आखिरी शेर, सज्जाद फिर भी, जाहिद भाई आखिरी शेर, सज्जाद फिर भी सैयद सज्जाद हो गए। ये फायदा, ये फायदा ज़ियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। फायदा ज़ियारत आशूर से हुआ। आसिफ जलाल बिजनौरी साहब।